आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग के मन में कुछ सवाल है और मेरे पास जो हमारे शुभचिंतक हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, खास करके युवा वर्ग हैं, उनके मन में ये 3-4 दिन से वो लोग टेंशन में हैं और बार बार फ़ोन करके पूछते हैं आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपको टिकट मिलता है तो क्या करेंगे, नहीं मिलता तो क्या करेंगे। तो मैं 4-5 दिन से सिर्फ यही फ़ोन आ रहा है मेरे पास, लगभग 200-250 डेली फ़ोन आता है खास करके यूथ का। तो मैं अपने सभी युवा साथियों को बता देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पूरे छातापुर विधानसभा वासियों को, जितने भी वोटर हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे कलीग हैं, हमारे अभिभावक हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमको टिकट मिले या ना मिले, हम विधायक बने या नहीं बने, हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा मकसद यहाँ विधायक बनने का नहीं है, हम जो यहाँ छातापुर आए हैं, मेरा ऐसा होता तो मेरे पास ऑफर था दूसरी जगह का कि आप वहाँ से लड़ जाइए, तो हमने अपने नेता को भी यही बताया कि हम जब भी कुछ करेंगे हम सिर्फ छातापुर में करेंगे, नहीं तो करने के लिए मेरे पास व्यापार है। हम पॉलिटिक्स छातापुर करने के लिए पॉलिटिक्स नहीं आए, ये मेरा घर है, ये मेरा समाज है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मेरे मन में शुरू से ये रहा है कि हम छातापुर में काम करें, छातापुर का विकास करें, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक बने तभी हम काम करेंगे। हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं और हमारे साथ जितने भी युवा हैं, और हमारा हर जगह भाषण में भी आप यही सुनिएगा, हम लोग जो स्पीच देते हैं, लोगों को संवाद देते हैं, कि हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, हम यहाँ कास्टिंग पे राजनीति करने नहीं आए हैं, हमारी भावना है सबों के साथ। आपको आश्चर्य लगेगा हमारे साथ, मैं RJD से हूँ लेकिन हर एक समाज के लोग, हर एक धर्म के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भगत हो, मंडल हो, मेहता हो, पासवान हो, राम हो, हमारे सभी शुभचिंतक हैं। तो यहाँ कास्टिज्म की राजनीति छातापुर में शायद इस बार नहीं होगा, सभी दल यदि नेता का आदेश होगा वो हमको टिकट देंगे, वो हमको मौका देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सिर्फ लोग कहते हैं यादव और मोहम्मदन, हमें ब्राह्मण भी सपोर्ट करेंगे, हमें मंडल भी सपोर्ट करेंगे, हमें मेहता भी सपोर्ट करेंगे, हमारे भगत भी सपोर्ट करेंगे, इवन की मारवाड़ी आपको 5 घर ही है या 25 वोट या 28 वोट है, वो लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी चिंतित हैं कि आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ कास्टिज्म की राजनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है, स्थानीय का मुद्दा है, और यदि नेता हमको देते हैं टिकट तो जात पात से हट करके, धर्म से हट के, जाति से हट के सभी लोग हमको सपोर्ट करेंगे। शहर के चकाचौंध को छोड़ करके आप कोसी पीड़ित इलाके को चयन किए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, शहर में हम बहुत अच्छा रह रहे थे, हमारी कमाई भी अच्छी है, जैसे आप लोग जानते हैं परमा ग्रुप में अच्छा काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अच्छी लाइफ कट रही थी, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ था कि नहीं, हमको छातापुर के लिए काम करना है, छातापुर में जन्म लिए हैं तो वहाँ का हमको विकास करना है। आज आपको आश्चर्य होगा, आज के डेट में भी चाहे नेता कुछ भी TV पे बोल ले, छातापुर कोसी सीमांचल में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ नहीं सड़क है, नहीं शिक्षा है, हम आपको बात कर रहे हैं सबसे पहले शिक्षा का, इसलिए इसी उद्देश्य हमने जिस कैंपस में आज बैठे हुए हैं, पेनोरमा पब्लिक स्कूल, चूँकि सरकार की शिक्षा की स्थिति क्या है वो आप लोग देख ही रहे, आपको से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमने स्कूल यहाँ स्टार्ट किया, हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज के इस सदी में भी हमारे पास छातापुर में आज 15-20 साल में कॉलेज नसीब नहीं हुआ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गया है, 75 साल हो गया है, लेकिन आज हमारा देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज छातापुर में आपके पास कॉलेज नहीं है, क्या यहाँ की बच्ची कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए? किसी के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज पाए, क्या किसान को हक नहीं है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? चुनाव में सर आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा मेरा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बेरोजगारी है, मेरा मुख्य मुद्दा है। छातापुर इतना पिछड़ा है, आखिर वजह क्या है? वजह है यहाँ का जनता काफ़ी इनोसेंट है, लोग बाहर से आते हैं, वोट बटोर लेते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ करके सबको चले जाते हैं, अपना दिल्ली में और पटना में
लग्जरी लाइफ जीते हैं, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की विधानसभा में आपका एक जनप्रतिनिधि तक नहीं है, कोई नेता नहीं है किसी का आंसू पोंछ पाए, किसी के दुख को समझ पाए। किसी को परेशानी होती है तो आपका एमपी एमएलए का फ़ोन नहीं लगता है। और जनता अब यहाँ बिल्कुल उब चुकी है, उनको समझ में आ गया है कि भाई रे हम लोगों को अब जाति के नाम पे नहीं टूटना है, धर्म के नाम पे नहीं टूटना है, हम सबको एक होकर के यहाँ के स्थानीय आदमी को जगह देना है, उनको जिताने का काम। जनता जान चुकी है और जनता इस बार मन बना चुकी है कि हमको क्या करना है। अभी फिलहाल रोजगार खत्म हो रही है, बेरोजगारों की समस्या आ रही है, नौकरी जा रही है, इस पर आप किस तरह से आपका कदम होगा अगर विधायक बनते इस इलाके में? देखिए मैं विधायक तो अभी हूँ भी नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रही है और आप लोग पता लगा लीजिएगा, अभी लगभग 600-700 लोगों को हमने जो हमारी कैपेसिटी, लेकिन जो हमारा पैनोरमा ग्रुप है हमने 600-700 लोगों को यहाँ से इम्प्लॉयमेंट दिया है और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। हमारे पास बाहर से मजदूर आए हुए थे, जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारा अभी एग्रीमेंट होता है तो साफ साफ उसमें लिखा रहता है कि 60% मजदूर हमारे क्षेत्र का होगा और आप अपना जो टेक्निकल हैंड है आप रखिए, नॉन टेक्निकल हैंड हम आपको देंगे। कोसी इलाके में पलायन सबसे बड़ी समस्या है और बाढ़ बड़ी समस्या है। पलायन तो डेली हो रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना में प्रवासी मजदूर कैसे पैदल चल करके आया, बाहर से साइकिल से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई कैसे आया, और लेकिन 10 दिन 15 दिन होने के बाद उनकी ये स्थिति हो गई, उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं थे, बच्चे भूखे थे प्यासे थे, उसको नहीं देख सकता, फिर वो लोग दिल्ली पंजाब चला गया, क्या करेगा, कुछ काम ही नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। पलायन तो करना ही करना है, रोजी रोटी का सवाल है, वो नहीं देख सकते अपने बच्चे को भूखे रहते हुए, तो पलायन तो करना ही है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है, तो पलायन तो होना ही होना है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग इस बार धर्म के नाम पे मत बटिए, जाति के नाम पे मत बटिए, पार्टी के नाम पे मत बटिए और यहाँ के स्थानीय आदमी को जगह दीजिए, तभी यहाँ का छातापुर का विकास होगा। मैं आप लोगों से